जी अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या हाल चाल है, सारे ठीक हो? तो यार वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। और यार आल्सो आज जो है ना हमारा जो है ना डे तकरीबन डे 21 के अंदर, क्योंकि बीच में जो है ना मेरे पेपर से इस वजह से ना काफ़ी डे जो है ना छूट गए, लेकिन आज जो है ना ऑफिशियल डे 21 है गाड़ी के जो है ना वर्कशॉप का। बाकी यार कल जैसे कि तुमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, राजा जी ने जो है ना बाकी सारे काम जो है ना फुल टाइम जगह मेरे को कर दिए थे, सिर्फ उसकी ब्रेक का काम रह गया था, ब्रेक ही से। तो मैं लास्ट में मैंने बताया था ब्रेक का ये सीन है कि जब बंदा स्पीड में ब्रेक दबाए ना तो वो जो है ना फुल टाइम जी राइट साइड पर जो है ना गाड़ी खींचती है। पता लगे जी बंदा फुल टाइम जी माड़ा मार के जा रहा हो 140 किलोमीटर पे, एमरजेंसी ब्रेक लगाए, एमरजेंसी ब्रेक लगाए तो बंदा किसी और में जाकर फिर पता लगे फुटपाथ पे गाड़ी टप जाए, रोल हो जाए, जो भी हो जाए हैं। तो इस वजह से हमने कहा जी ब्रेक का यस में काम कर रहा था कि जितनी मर्जी स्पीड में इमरजेंसी ब्रेक लगाएं, गाड़ी जो है ना फुल टाइम जी मस्ती मस्ती ना करे, आराम से गाड़ी जो है ना रुक जाए। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे चलते हैं उसके बाद। तो जी भाई जैसे आप देख सकते हैं तो जाना ढेर सारी मट्टी है भाई साहब, गाड़ी भी फुल टाइम मट्टी होगी और नीचे भी फुल टाइम जी मट्टी मट्टी सिस्टम हुआ हुआ है। हमने क्यों नहीं जितने ब्रश वगैरह लगा दें, थोड़ा ब्रश हम लेके आए हैं साथ। तो गाड़ी को जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना फुल टाइम जी स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ये लगा दीजिए अभी, इसका इधर वाला पीस लगने वाला है, ये चेक करो जी। कल ये जो ग्रिप है ना हैंकी पैंकी कर रहा था हमने फुल टाइम जी, फिर इस्लाम ऑटो से ना ए चेक करो जी नया ग्रिप ला के फुल टाइम जी जेंगो मैंगो और यस मैस करके जो है ना फिट कर दिया था। बाकी अभी जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 प्रेशर बन गया वो गियर में। अभी जाके सीधा हमने जो है ना कंध के बीच फिट होना था। VIP मोलते मीठे चोल, क्या बात है, अभी ठंडी है ना गाड़ी 1000 RPM पे। यार नमाज वगैरह पढ़ी, अभी जाना बस नमाज वगैरह पढ़ी, अभी जा रहे हैं हम जो है ना गाड़ी का काम शाम कराने, तो उधर चलते हैं जाके जाना देखते हैं क्या सीन है। तो जी भालो इधर आ गए हम, राजा जी फिर तुम गड़ी दुगी खोल ली है, राजा जी इधर फुल टाइम जी ब्लीडिंग करने में मसरूफ है जी। तो क्लच के बल लगा के बगैर क्लच के लगा रहे हैं जी, अच्छा लगा के है, ये लगी हुई है, चेक करो ये जो ब्लीडिंग हो रही है। ना ना माना यारा मेरी गाड़ी ये नहीं है, ये तो मैकेनिक है। तो ये हमारी अपनी खड़ी है जी गाड़ी, इसके टायर भी मैं सोच रहा हूँ चेंज करा दूँ। तो जी भाई लोग अभी जाना हम आ गए हैं फुल टाइम जी फ्रेश व्हील अलाइनमेंट के पास, ये चाचू बैठे हुए हैं ये वाले, तो इनके पास जाना गाड़ी लेके जाते हैं। ऐह फर्स्ट हेलो स्टार्ट फॉर यू, ये रिवर्स गियर लग गया, बस उधर चलते हैं और फिर उसके बाद भाई लोग अभी जाना फुल टाइम जी छाल मार के पहुंच गए सुल्तान के खूह है, चेक करो जी टायर शायर इधर लगे हैं, हम जाने छराड़ के जाना टायर से डलाने हैं। भाई अभी जाना फुल टाइम जैक लगा रहे हैं, जैक लगा के गाड़ी है ना फुल टाइम जी ऊपर ऊपर इनकी एयर चुप लेंगे। तो बाकी अभी जाना चलते हैं बाहर निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी उन्होंने ऊपर उठानी है और फिर टायर शायर जो है ना डल गए हैं, व्हील बैलेंसिंग भी होगी, व्हील अलाइनमेंट भी होगी। बाकी ना ताले मसले कर रहे थे, एक डिग्गी का ताला मसला कर रहा था जी, ये वाला ताला मसला कर रहा था, और एक आगे जो है ना बोनट का, इन दोनों को जाना फुल टाइम जी एसएमएस कर दिया जी। पहले कुछ जो है ना तारा शारा का काम होगा, तो बाकी हमारे मीटर का थोड़ा एंकी बैंकी कर रहा था, मीटर की जो वाली गेज है ना वो फुल टाइम मशीन मार के ऊपर पहुँच गई जी मीटर वाली शॉप पे सुल्तान के खूब पे। हमने भाई से बोला भाई जान फुल टाइम जी मीटर एसएमएस जी मिठू स्पीडो मीटर वर्क्स, यहाँ पे माए हैं बाकी भाई गए हैं गाड़ी का मीटर शीटर चेक करने, तो चेक करते हैं। यहाँ भी जाना बड़े बड़े हरामी मीटर लगे हुए हैं, जो सबसे हरामी मीटर मुझे लगता है ना क्या कहते हैं उसको फुल A1 वाला, ये तो बिट्स का लगा हुआ है, ये नहीं जो आता है ना जी में गाड़ी को क्या हो गया पता नहीं क्या हुआ, ये वो लगा हुआ है ये वाला VIP पैन दी कनाडा ना। अभी जो है ना मैं उधर गया हुआ था गाड़ी का सामान शमान लेने, गाड़ी का सामान लेके तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी ना, तो मैं पैदल इधर आया हूँ तो देखा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मुझे पता लग गया था क्या मसला है। मैंने खोला जी इसके टाइमिंग का बेल्ट टूटा हुआ है, चेक करो जी बेल्ट टूट नहीं सकता, जिस तरह टूट गया इधर आता है इस पे इंजन घूमता है, तो एक दफ़ा पहले भी हुआ था इसलिए मुझे पता था कि टाइमिंग का बेल्ट ही होगा। अभी बाबा साहब आते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है इसका।